पाकिस्तान में रोशना हम अक्सर लोगों को मशवरे दे रहे होते हैं, बड़ा जनाब ऐसे इधर बैठ के कंपेयर बन के कि हेल्दी लाइफस्टाइल इख्तियार करें। देखिए आपने कहा था मशवरे देते रहना, मशवरे पार्क्स में जाया करें, खूबसूरत पार्क में सुबह सुबह की सैर पे जाए। मैंने सुबह सुबह अहद किया कि मैं जी हर वीकेंड पे पार्क जाया करूंगा, मशवरा भी दे दिया मैंने। लेकिन रियलिटी कुछ और भी है। रियलिटी ये है कि भाई पार्क्स होंगे तो उसमें बच्चे या खवातीन या हजरात पार्क्स जाएंगे, और ऐसे में ये पार्क्स किसकी जिम्मेदारी होती है? ये आए दिन हम शहरों में अचानक हम देखते हैं बड़ा खूबसूरत पार्क डेवलप हो गया, ये कोई लोग आते हैं कहीं से घूम फिर के करके चले जाते हैं, ये क्या इदारा है, ये क्या डिपार्टमेंट है, ये कौन लोग हैं जो इसको विजुलाइज करते हैं, और किस तरह से नई आबादियों में पार्क्स को पाकिस्तान के कवानीन के तहत इंश्योर किया जा रहा है? अहमद हसन राजा साहब आज हमारे साथ मौजूद हैं जो कि डायरेक्टर जनरल है पार्क्स एंड हॉर्टिकल्चर अथॉरिटी रावलपिंडी के, और रावलपिंडी और मरी और यहाँ के सारे प्यारे प्यारे जो पार्क्स आपको नजर आते हैं वो इनकी और इनकी टीम का काम है। गुड मॉर्निंग, अस्सलाम वालेकुम राजा। वालेकुम अस्सलाम सर, थैंक यू सर। अच्छा, वो पार्क्स ये जो बनते हैं इसके पीछे तो पूरी साइंस होती है या बस गए और घास का बीज डाल दिया और दरख्त लगा दिए? नहीं सर, इसके पीछे तो बेसिकली तो एक तो लैंड आपको चाहिए होती है, गवर्नमेंट लैंड अवेलेबिलिटी होनी चाहिए, उसके ऊपर एक कॉस्ट आती है, उसमें सिविल वर्क्स इन्वॉल्व होते हैं, हार्ड कंपोनेंट होता है, उसके बाद आपको ग्रास और ट्रीज और फ्लावर्स और सारी चीज़ें बाद में नज़र आती हैं। तो इसके लिए काफ़ी एफर्ट करनी पड़ती है, और अल्हम्दुलिल्लाह हमारी अथॉरिटीज़ पूरे पंजाब में गवर्नमेंट ने बना दी हैं अथॉरिटीज़, तो ये अथॉरिटीज़ बड़ा अच्छा काम कर रही हैं और डेडिकेटेड हैं इस पर कि हमने अपना एरिया को ग्रीन करना है और इसको क्लीन करना है। ग्रीन, और आपने कहा कि ग्रीन और क्लीन करना है, तो ये प्रोसेस जाहिर है आजकल तो वो मेरे ख्याल से थोड़ा ट्रेंड ख़त्म भी होता जा रहा है, क्योंकि इतनी बिल्डिंग्स हमने खड़ी कर दी हैं, हर जगह पे देखे तो बहुत बड़ी बड़ी इमारतें खड़ी होगी और ग्रीनरी और पार्क्स की जगह नहीं बची, तो उसमें ये मैनेज करना किस तरह से पॉसिबल है? उसमें भी बेसिकली हम जो जितने हमारे ग्रीन एरियाज हैं उनको तो हम ऑलरेडी डेवलप कर रहे हैं, उसके साथ हमारे पास ग्रीन बेल्ट्स हैं, जितने रोड्स हैं उनकी ग्रीन बेल्ट्स को हमने उसको लिया हुआ है, उनको कर रहे हैं, रोड्स के साइड एरिया पे कहीं पे हमें कोई खाली एरिया मिलता है तो हमने उसको डेवलप कर रहे हैं, और हमारे जो स्ट्रीट्स हैं उसमें जाके भी हमारे कुछ इनिशिएटिव्स हैं जो हम उस पर फर्दर वर्किंग करेंगे। अच्छा, जहाँ पे पार्क की जगह नहीं है, जो मसलन अब पुराने जो हमारे शहर है रावलपिंडी के अंदरून शहर भी आप ले लें तो दूर दूर तक पार्क की अब जगह ही नहीं है, तो उसमें फिर क्या किया जाता है, क्या उसमें ऐसे होता है कि हम एक रोड को मॉडल रोड बना लेते हैं। अच्छा, जहाँ पे अगर हमारे पास जगह नहीं है कोई प्लांटेशन की तो वहाँ पे हम प्लांटर्स रख के वहाँ पे एक मॉडल स्ट्रीट एक बना के लोगों को उसकी तरफ दिखाते हैं कि ये मॉडल स्ट्रीट है, आप भी इस कॉन्सेप्ट पे जाएं। हमने पिछले सालों में ये भी एक एफर्ट किया है कि हमने कंक्रीट जहाँ पे एरिया था वहाँ पे ड्रिलिंग करके ट्रीज लगवाए हैं लोगों से। अच्छा, ओके। यस, एक हम एक कैंपेन चलाने जा रहे हैं कि हर बंदा अपने घर के सामने एक ट्री लगाएगा, वो ट्री गवर्नमेंट स्पॉन्सर करेगी, उसकी ड्रिलिंग गवर्नमेंट स्पॉन्सर करेगी, लेकिन हर बंदा अपने घर के सामने एक ट्री प्लांट करेगा। ठीक है। उसके अलावा भी हमारे जितने गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन हैं लाइक स्कूल्स हैं कॉलेजेस हैं इनके साथ मिलके चैम्बर ऑफ कॉमर्स के साथ मिलके हमने एक और वर्किंग की है कि हमने तमाम स्कूल्स में वर्किंग करके कितनी स्पेस है वहाँ पे हमने प्लांट्स लगवाए हैं और एक एक प्लांट जो है एक एक स्टूडेंट को दिया है, उसके सर्वाइवल के लिए वो रिस्पॉन्सिबल है, वो आके रोज़ उसको वाटरिंग करेगा, उसकी कटिंग करनी है, जो कुछ करना है वो बच्चा करेगा, उससे सस्टेनेबिलिटी मॉडल भी हमने एक दिया हुआ है। वेरी गुड। अच्छा जी, हम कंट्रोल रूम से कहेंगे कि साथ साथ ज़रा हमें कुछ खूबसूरत पार्क्स की तस्वीर दिखाएं जो कि जिनका जो रावलपिंडी में है और मरी में है। वाह जी वाह, ब्यूटिफुल ब्यूटिफुल। अच्छा, तो जब मौसम राजा साहब नहीं होता इस तरह के फूलों का ये जो हमें नजर आ रहे हैं सर, तो जब खजां आ जाती है तो फिर तो इनकी रौनक जरा कम हो जाती है ना सर। बेसिकली स्प्रिंग के बाद जब खजां आती है तो खजां में भी एक फूल होता है, रोजमेरी चल रहा है आजकल हमारे पास, समर फ्लावर्स होते हैं, बिल्कुल वो स्प्रिंग फ्लावर्स की तरह तो नहीं होते हैं लेकिन समर फ्लावर्स हमारे हैं, जो हमारे फ्लावर बेड्स होते हैं उन पर फिर वो शिफ्ट हो जाते हैं उस सीजन के फ्लावर्स, हम उनको मेंटेन कर रहे होते हैं। अच्छा जी, आप जरा ये बताएंगे जो आप उस दिन आपसे फोन पे बात हुई तो आप जिक्र कर रहे थे वर्टिकल गार्डन्स का, वो क्या कहानी है? सर बेसिकली डिफरेंट स्टैंड्स हैं, डिफरेंट हमने ऑलरेडी अपने तौर पे भी किया हुआ है, कुछ लोगों ने भी अपने तौर पे किया हुआ है, तो वो स्टैंड्स में बेसिकली वर्टिकल गार्डनिंग करते हैं, एक स्टैंड में प्लांटेशन होगी, नेक्स्ट स्टैंड में बेसिकली वर्टिकल वॉल एक बन जाती है प्लांटेशन की, उसको मेंटेन करते हैं। उसके अलावा भी एक बड़ा एक अच्छा कॉन्सेप्ट है रूफ गार्डनिंग का, वो इंट्रोड्यूस हो रहा है और वो लोग बिग सिटीज में उसकी तरफ आ गए हैं और रूफ गार्डनिंग कर रहे हैं कि रूफ के और पूरे अपने छत के ऊपर आप उस पे बाग बना लेते हैं, जो कि उमूमन सिर्फ कपड़े सुखाने के लिए छत इस्तेमाल होती है।
या आपने किसी से लंबी को टेलीफोन पे बात करनी हो, नाइट पैकेज का आपने इस्तेमाल करना हो और घर वालों को ना बताना चाह रहे हो कि फोन आया हुआ है, तो वो छत पे फिर वॉक होती है ना। ऐसे आप मुझसे क्यों पूछ रहे हैं ना? नहीं मैं मतलब ये कि आप इतना खिलखिला के हंसी, मैंने कहा शायद कोई आपके जिंदगी में भी कोई हो जिसको आपने ऐसा करते देखा हो। नहीं जी नहीं, ऐसा मैंने कुछ भी करते नहीं देखा, सब इकट्ठे बैठ के कॉल पे बात कर सकते। अच्छा, तो राजा साहब ये जो रूफ गार्डनिंग वाला है, ये मेरा ख्याल है इन नाइट पैकेज वालों के लिए भी बड़ा अच्छा आइडिया है कि बाग के अंदर फिर आप वो ज्यादा एंजॉय करेंगे, आई थिंक वो ज्यादा एंजॉय करेंगे उस गुफ्तगु। लेकिन एक चीज मेरे माइंड में आई है कि मतलब अगर रूफ पे करते हैं तो वो पानी एब्जॉर्ब नहीं हो जाता छतों में, या इसका कोई उसके आ गई है, उसकी तो ट्रीटमेंट आ गई है कि आप रूफ को ऐसी ट्रीटमेंट दे देते हैं कि वो छतों में पानी नहीं जाता, इंसुलेशन हो जाती है। Yes. अच्छा, अब जो हमारे वैसे तो आपका एरिया ऑफ वर्क जो है वो रावलपिंडी का जिला है, लेकिन अगर हम मिसाल के तौर पे कराची की बात करें, आप ही के कॉलीग्स हैं जो कि ये काम कर रहे होंगे, अब कराची में देखें तो वो कॉन्क्रीट जंगल है, बिल्कुल बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स, बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स और दूर दूर तक पार्क नहीं, और एक एक बिल्डिंग में सैकड़ों बच्चे रह रहे हैं, अफराद रह रहे हैं जिनकी पार्क तक रसाई नहीं, तो ये जो बड़े बड़े टावर्स हैं इनके लिए आपका क्या मशवरा है, यहाँ पे ग्रीनरी कैसे छोड़ की जाए? सर मेरा जो एक एक मियावाकी कॉन्सेप्ट है, मियावाकी फॉरेस्टिंग का, मियावाकी यस, वो एक कॉन्सेप्ट ये है कि आपने इंडिजिनस प्लांट्स को इतनी थिक प्लांटेशन करनी होती है कि वो आपके लिए ऑक्सीजन बॉम्ब एक बन जाता है। अच्छा। आप उस पूरे एरिया को एक छोटे से एरिया में, से फॉर एग्जाम्पल एक मरला जगह है तो आप उस पर हजारों दरख्त लगा सकते हैं। Really? यस, हमारे यहाँ हमने 13 मियावाकी फॉरेस्ट पिंडी में बनाए हुए हैं, अगर आप टाइम देंगे तो आप हम आपको दिखाएंगे कि मियावाकी फॉरेस्टेशन से आप एक तो ऑक्सीजन पैदा कर सकते हैं, सेकंड हमारे इंडोर छोटे छोटे होते हैं मतलब साइज में कैसे? हाइट प्रॉपर होती है, हाइट प्रॉपर होती है, सिर्फ थिक होती है, तो उन वो थिक फॉरेस्टेशन की वजह से उनका शायद वो तना इतना बड़ा नहीं होता और इनको फॉरेस्टेशन बड़ी अच्छी होती है। आपको विजिट करवाएंगे मेरे ख्याल से। जरूर जरूर। ये किसी खास मुल्क का ये नुस्खा है या ये बेसिकली जापानीज कॉन्सेप्ट था। ओके। वहां से लिया गया और पिछले सालों में ये मियावाकी कॉन्सेप्ट पाकिस्तान में आया और पाकिस्तान में प्लांटेशन काफी ज्यादा हुई है। हमने 13 मियावाकी जो बनाए हैं फॉरेस्ट वो यहाँ पे किए हुए हैं पिंडी में। ओके। लेकिन पाकिस्तान के दूसरे शहरों में भी इस पे काम हो रहा है? हो रहा है सारी जगहों पे हो रहा है। ये क्या कि मतलब उसी जगह पे वो प्लांट्स के लिए है या फिर वो वहाँ पे थोड़ा उनको ग्रो करके बाकी जगहों पे? नहीं नहीं, उसी जगह पे, एक आपने थोड़े से एरिया में, अदरवाइज तो एक एक फॉर एग्जांपल एक ट्री है से जैकरेंडा है या उसके लिए प्लांटेशन का जो हमारे SOPs है वो ये होगी कि 10 feet के डिस्टेंस पे आपने ट्रीज लगाने हैं, तो एक टाइम के बाद उसने ऊपर फैलना है, उसकी एक वो बनेगी अम्ब्रेला, तो इसमें वो SOP नहीं होती, आपने थिक प्लांटेशन करनी है, थोड़े थोड़े फासले पे आपने करने हैं और उसको चूंकि इंडिजिनस प्लांट्स इन्वॉल्व किए जाते हैं तो उनकी ग्रोथ बड़ी अच्छी होती है। आपने कोई बाहर वाला प्लांट नहीं करना, जो इस एरिया का पिंडी में प्लांट है आपने वो सारे ट्रीज लगाने हैं। काम खर्चे वाला है ये, उससे फ्लोरा फाना आपका बड़ा अच्छा इम्प्रूव करता है। आपको बहुत सारे ऐसे परिंदे थे जो नजर आना बंद हो गए थे, जब आप इस तरह की फॉरेस्टेशन करते हैं तो वो परिंदे, वो जानवर, वो सारी चीजें वहाँ पे उस फॉरेस्ट में आपको मिलती हैं। इंटरेस्टिंग भाई, ये आपने हमें राजा साहब जरूर विजिट करवाना है। श्योर सर, ये बड़ी इंटरेस्टिंग मुझे कॉन्सेप्ट लगा। अच्छा, पैसा इसमें फिर बहुत ज्यादा लगता है? इंडिजिनस प्लांट्स हैं, आपको यहाँ पे हर जगह पे मतलब आप समझ लें कि वीड्स हैं या श्रब्स हैं, प्लांट्स हैं, ट्रीज हैं, अपने इसी एरिया की लेनी है ना, वो तो एक्सपेंसिव नहीं होती, कोई इंपोर्टेड प्लांट्स हम इन्वॉल्व भी नहीं कर रहे उसमें, लोकल जो भी ग्रो कर रहे हैं वही आप लोकल प्लांट्स। अच्छा रांझा साहब के जरा पर्सनल करियर के हवाले से मैं थोड़ी सी बात करना चाहूंगा, क्योंकि इससे पहले ये डिप्टी कमिश्नर मरी भी रहे हैं और अब बिल्कुल ही फर्क सा काम, तो ये जो सरकारी अफसर होता है चाहे सूबाई हुकूमत के अंडर काम कर रहा हो या विफाकी हुकूमत, ये हर कुछ साल के बाद बिल्कुल ही एक न्यायी काम करने को मिल जाता है। हम तो ये ना कि पड़े पड़े एक ही काम पिछले 30-35 साल से काम करते चले आ रहे हैं कि सोचे समझे बगैर बोलना है, ठीक है ना, तो एक काम है बस वो कर रहे हैं हम, तो आपको जो हर 3-4 साल के बाद बिल्कुल जिसका ये पोर्टफोलियो बिल्कुल आपके लिए नया है, तो ये पूछ के अपॉइंटमेंट की जाती है या अपना कोई इंटरेस्ट होता है या कैसे एक सरकारी अफसर को एक नई पोजीशन पर भेजा जाता है? बेसिकली सर हमारी कैडेट पोस्ट होती हैं, डिफरेंट पोस्टिंग्स होती हैं, डिप्टी कमिश्नर भी चले जाते हैं, आप सेक्रेटरी हेडक्वार्टर पे जाते हैं, यहाँ पे भी पोस्टिंग हो जाती है, ऐसा पूछा तो नहीं जाता, गवर्नमेंट की मर्जी होती है कि इस अफसर को वो कहाँ पे सूटेबल समय दिया उसको अपॉइंट कर देती होती है। नहीं बस ये सारे पार्क्स और इसके अंदर आपका अपना कोई पर्सनल शौक प्लांट्स और दरख्तों का कुछ था? सर ना भी हो तो हो जाता है, जब आप एक जैसे आप आए थे तो आपको कुछ चीज़ें आपने यहाँ से लर्न की और आपने इंटरेस्ट पैदा कर लिए तो यहाँ पे हो जाती हैं। आप अगर आपको पार्क्स में इंटरेस्ट नहीं भी है,
आप PHAs में या एनवायरमेंट डिपार्टमेंट में जब आप बैठते हैं तो आपको पता चलता है कि ये कॉन्सेप्ट कितना अच्छा है, इसके लिए कितनी ज़्यादा एफर्ट की ज़रूरत है, कितना इसमें आप अपना इनपुट दे सकते हैं, इसकी अहमियत का भी पता चलता है कि कितनी ज़रूरी है ये सारी चीज़ें। एग्जैक्टली। अच्छा जी, पानी, अब प्लांट्स के लिए और फॉरेस्ट और पार्क्स के लिए दो चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं, एक धूप और एक पानी। पानी की वैसे ही किल्लत है, तो क्या अभी हम पिछले दिनों असल में वर्ल्ड एनवायरमेंट डे था, तो उसमें हम बात कर रहे थे कि जो पौधों को और पार्क्स में जो पानी लगता है वो साफ पानी ना लगाया जाए, वो थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज्ड पानी हो, तो इस हवाले से भी कोई चीज़ है या ये मतलब इस पानी की किल्लत के ज़माने में वो जो पानी लग रहा होता है वो ह्यूमन यूजेज वाला लग रहा है? इसके लिए हम दो प्रैक्टिसेस कर रहे हैं और मैं सजेस्ट करूंगा कि बाकी हमारे जो जितने कोलीग्स हैं वो भी इस पे आएँ। हमने दो काम किए हैं सर, एक हमने रेन वाटर हार्वेस्टिंग के प्रोजेक्ट्स किए हैं, ओके, राम इकबाल पार्क में रेन वाटर हार्वेस्टिंग का प्रोजेक्ट है, लावल पार्क में है, पोठोहार पार्क में है, जितने हमारे पब्लिक पार्क्स हैं उनमें हमने रेन वाटर उनको चैनल्स दे के एक जगह पे हमने उसका नीचे वो टैंकर बना दिया, तो हम 300,000 गैलन पर सीज़न हम उसमें से हार्वेस्ट कर रहे हैं और वही पानी हम प्लांटेशन रेन का वाटर हम हार्वेस्ट कर लेते हैं, वो उसी पानी से हम उसकी कर रहे हैं सर। यानी जब जब बारिशें होती हैं तो पानी जमा कर लिया और उसके बाद उसको? यस यस। सेकंड हम एक और कर रहे हैं कि हमारे जो मस्जिद के करीब पार्क्स हैं उस मस्जिद का वजू वाला जो पानी है उसको हम यूटिलाइज कर रहे हैं फॉर दिस पर्पस। वेरी गुड आईडिया। यस, वेरी गुड आईडिया। अच्छा, इसके लिए कोई खास टेक्नोलॉजी चाहिए होती है कि फिर सिर्फ अपने चैनल देना है सर, पानी को पानी का वे है, आपने उसको चैनल करके अपने टैंकर में लेके आना है सर, वो इतनी बड़ी टेक्नोलॉजी तो नहीं है। और यही चीज़ें घरों में भी अप्लाई हो सकती हैं? घरों में बेसिकली उसके लिए तो हो सकती हैं। मरी में हमने स्टार्ट किया था, मरी में रेन वाटर हार्वेस्टिंग का एक कॉन्सेप्ट हमने किया था। बेसिकली आप हर पर्पज़ के लिए तो उसको यूज़ नहीं कर सकते, आप उसको अपने टॉयलेट के लिए तो ऐसी चीज़ों के लिए तो कर सकते हैं, अदरवाइज वो पानी के थोड़े से साइड इफेक्ट्स भी हैं पर्सनल यूज़ के लिए, पीने का साफ पानी नहीं। यस यस। अच्छा राजा साहब, आप ज़रा बताएं कि जो नई अब हम आए दिन सुन रहे होते हैं फलाना सिटी तो फलानी हाउसिंग कॉलोनी, तो इस वक्त पाकिस्तान के कवानीन क्या हैं, क्या कोई मैंडेटरी है कि पार्क्स के लिए कोई आई डोंट नो इतनी ज़मीन आपने मुख्तस करनी है? सर डिफरेंट टाइम पे डिफरेंट रही है, अभी जो 2022 के हमारे एक्ट आया है उसके मुताबिक मिनिमम 7% एरिया ऑफ जो सोसाइटी होगी उसने ग्रीन एरिया अपना रखना है, जिसको पार्क्स एंड ग्रीन एरिया ग्राउंड्स के लिए उसने वो करना होता है, 7% करना है, उसके अलावा उसके बगैर वो अप्रूव हो ही नहीं सकती है सर। लेकिन मैं इस पर बड़ी दाद देता हूँ उनको कि 7% पे कोई भी ब्रेक नहीं लगा रहा, सारे लोग एक्स्ट्रा उस पे जा रहे हैं। अच्छा, खैर रिक्वायरमेंट भी है, लोग अच्छा एनवायरनमेंट पसंद कर अच्छा एनवायरनमेंट देंगे तो लोग उनके पास जाएंगे, तो वो ज्यादा इस पे जा रहे हैं, 20% 30% पे लोग काम कर रहे हैं जी। रियली ये तो बड़ी खुशाइन बात है, हालांकि वही जमीन वो प्लॉट बना के सर बेच भी सकते हैं। हाँ देखें, जिस तरह वो सोसाइटीज बढ़ती जा रही हैं या बिल्डिंग्स वगैरह बढ़ती जा रही हैं, तो ये बहुत बेहतरीन बात है कि लोग इस चीज़ का भी ख्याल रख रहे हैं कि ग्रीनरी भी साथ साथ होनी चाहिए। राजा साहब बड़ा मजा आया आपसे गुफ्तगू करके, और वो जो फॉरेस्ट की सैर है ना वो आपने करवानी है, वो पेंडिंग है। ये सिर्फ उस पे मतलब ये नहीं कि अब आप शो में बैठे हैं और आपने ऑफर लगाए और हमने कहा जी जरूर आएंगे, हम पहुंच भी जाते होते हैं, ये साथ है, आप आए हमारे साथ, आप देखें, आपको दिखाएंगे। राइजिंग पाकिस्तान की एक एपिसोड वहीं से कर लेते हैं, ये आइडिया बुरा नहीं है। मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप आए और लोगों को भी ये बताएं कि जिसके पास थोड़ी सी जगह है वो उस पे फॉरेस्टेशन करें, अपनी प्राइवेट जगह पे भी कर सकते हैं। इसमें आप लोग क्या हेल्प करेंगे? बस हम हेल्प ये करेंगे कि हम जितने प्लांट्स किसी को चाहिए हैं हम फ्री में देंगे, अभी हमारी मूनसून प्लांटेशन सीजन आ रहा है, ओके, हम फ्री में प्लांट्स देंगे, डिफरेंट जगहों पे स्टॉल्स लगाएंगे, लोग आए हमसे प्लांट लें और अपने घरों में लगाएं। बेसिकली वी ऑल आर फाइटिंग फॉर द फ्यूचर, तो हम चाहते हैं कि हर बंदा अपने हाथ से एक प्लांट लगाए, यही हमारा मोटो भी है और यही हम आपसे कहेंगे। और कुछ जगहों पर हम जो जितनी नर्सरीज होती हैं वहाँ पर भी हम उनसे सब्सिडाइज रेट पर प्लांट्स दिलवाते हैं। Okay. ये सीजन आ गया है, हर बंदा प्लांट्स लगाए, जिसके पास थोड़ी सी बड़ी जगह है वो उसमें मियावाकी में जाए अगर वो अफोर्ड कर सकता है, क्योंकि उससे जितना आप एक जगह पे इतनी ज्यादा ऑक्सीजन पैदा कर रहे होते हैं और इतना अच्छा फ्लोरा फाना हो रहा है, तो इससे अच्छा कॉन्सेप्ट और कोई नहीं है। नहीं, मियावाकी के साथ आपने लफ्ज इस्तेमाल किया, अगर अफोर्ड कर सकता है, ये मुफ्त नहीं देंगे आप? नहीं, वो करें, जगह तो उसकी होगी ना, नहीं, अगर जगह अफोर्ड कर सकते हैं, जगह अफोर्ड कर सकते हैं, प्लांट्स के कोई पैसे, प्लांट्स के पैसे हम नहीं देते। अच्छा, वो आप लोग फ्री? यस, फ्री देते हैं। वेरी गुड जी। अच्छा, आपके कोई राजा साहब वेबसाइट हो या कोई फेसबुक पेज वगैरह हो जिस पे हमारे नाजरीन जाके मजीद इसके बारे में जान सके और आपको रुजू कर सके प्लांट्स के लिए? हमारा ट्विटर पे भी पार्क्स एंड हॉर्टिकल्चर अथॉरिटी रावलपिंडी है, हमारा फेसबुक पेज भी है, लोग बिल्कुल आए उस पे, बेसिकली लोग हैं भी हमारे साथ, फॉलोअर्स हैं भी। मैं लोगों से सारों से कहूंगा कि हमारे पास आए। इसके अलावा एक हमारी हमने फूल बूटे शॉप बनाई है सर,
फूल बूटे शॉप, फूल बूटे शॉप, कितना अच्छा नाम है, पिंडी स्टेडियम के बिल्कुल सामने। ओके, उसमें हम बेसिकली ये कर रहे हैं कि हम थोड़ा सा एक कमर्शियल एक्टिविटी में आए थे, लेकिन सब्सिडाइज रेट पे हमने छोटे प्लांटर्स जो घर के लिए होते हैं लाइक दिस, ये आपके जो ये प्लांटर्स आपके सामने पड़े हुए हैं, ये बेसिकली जो ओरिजिनल प्लांट्स हैं उनके प्लांटर्स रेडी किए हुए हैं। ठीक है, और सब्सिडाइज रेट पे गवर्नमेंट खुद दे रही है ना। ओके, कोई उसमें कास्ट टू कास्ट वाली बात है वो भी हम कर रहे हैं। उसके अलावा लैंडस्केपिंग और बाकी चीज़ों में भी कंसल्टेंसी अगर पीएचए से किसी को चाहिए होगी तो वो भी हम उसको करवा के देंगे। ये जो पार्क्स होते हैं इसमें फूल तोड़ने की इजाज़त होती है? इजाज़त मना भी नहीं होता, लेकिन आई थिंक नहीं तोड़ना चाहिए, फूल अच्छे होते हैं, लगे रहे तो ज्यादा अच्छे लगते हैं, तोड़ के लोग उसको खराब कर देंगे। अच्छा, पौधों की आप बात कर रहे हैं कि मुख्तलिफ किस्म के पौधे भी प्रोवाइड किए जाते हैं, क्या ये नॉर्मल सिर्फ जो डेकोरेटिव होते हैं वो हैं या फिर सब्जियां वगैरह भी इसमें हो सकती हैं या कोई फ्रूट्स वगैरह के भी हो सकते हैं? हमारे पास बेसिकली मेन प्लांट्स तो जो है वो फ्लावर्स होते हैं, हमारे पास श्रब्स होती हैं, फ्लावरिंग श्रब्स होती हैं, इनडोर प्लांट्स हमारे पास काफी ज्यादा हैं, हमारी नौ नर्सरीज हैं जो हमने अपनी पीएचए की अपनी डेवलप की हुई हैं, उसमें इंडोर प्लांट्स हैं हमारे, फ्रूट प्लांट्स भी हम कर रहे हैं, उनको भी हम डेवलप कर रहे होते हैं डिफरेंट टाइम पे। अभी हम जहाँ पे भी कुछ ऐसा प्रोजेक्ट करते हैं तो एक एरिया हम ऑर्चर्ड का ज़रूर रखते होते हैं कि फ्रूट प्लांट्स भी हम लेके आए उसको इंट्रोड्यूस करें। इंटरेस्टिंग। यस। और ये अभी तो आप खैर रावलपिंडी की इस वक्त नुमाइंदगी कर रहे हैं जिले की, लेकिन ये बिल्कुल इसी तरह से काम दूसरे अज़ला सारी अथॉरिटीज़ में बेसिकली ये एक पहले ऐसे था कि जो लोकल गवर्नमेंट्स थी, म्यूनसिपल कॉरपोरेशन थी, ये वही ये कर रही थी, वो डेडिकेटेड उनका एक स्टाफ नहीं था जो ये सारी चीज़ें देख रहा था। अब गवर्नमेंट ने एक अथॉरिटी बना दी है जिसका काम ही ये है, तो उससे बड़ी बेहतरी आ रही है। आप किसी भी शहर में जाएंगे, बड़े शहरों में, तो आपको एक फ़र्क नज़र आएगा पार्क्स में। और इसके लिए खास तौर पे एक्सपर्ट्स होते हैं ना, इसकी बाकायदे डिग्री होती है जो किसके एक्सपर्ट्स? मेरे पास 18 के करीब एक्सपर्ट लोग हैं जो एमफिल जो है, इस एमएससी एमफिल बल्कि सॉरी, जो इसमें हॉर्टिकल्चर वर्क में लैंडस्केपिंग में करके आए हुए हैं। बेहतरीन बात है कि एक्सपर्ट्स हैं और वो इन चीज़ों को डील कर रहे हैं। भाई बड़ा मजा आया रांझा साहब से गप लगा के, और मैं तो खुद रिश्ना को पता है बहुत ज्यादा ट्री और प्लांट्स लवर हूँ, तो बिल्कुल आपके फॉरेस्ट में भी चक्कर लगाएंगे और किस दिन आपको भी मैं अपने घर मधु करूंगा, जो मेरे घर का जो मैं जो दरख्त लगे हुए उनकी भी मैं आपको सैर कराऊंगा, और मैं आपसे पूछूंगा आप अपने एक्सपर्ट को लाएं और वो बताएं कि मेरे घर जो दरख्त हैं उनकी उम्र कितनी है, बताएं ये उनके लिए एक इम्तिहान होगा। नहीं इम्तिहान होगा ये, अच्छा वो फौरन देख के बता देंगे, फौरन बता देंगे, बहुत पुराने पुराने दरख्त हैं बता देंगे। अच्छा बस ये अब सब इन्होंने कह दिया कि मेरे पास एक्सपर्ट्स हैं तो वो सब, मैंने जो इन्होंने कहा एक्सपर्ट है, मैंने कहा फौरन इम्तिहान का कोई नुस्खा रख देते। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच, बहुत खुश हुई आपसे मिलके, ऑल द बेस्ट जी। रोशना छुट्टी टाइम, छुट्टी टाइम जी, वक्त जो है वो खत्म हुआ जाता है प्रोग्राम का, और बड़ी अच्छी इन्होंने बात की कि आप जो है वो खुद भी छोटे छोटे इनिशिएटिव्स लेते हैं जिससे जिंदगी बहुत बेहतरीन भी होती है और कलरफुल भी होती है, रंगीन भी होती है, सरसब्ज भी हो जाती है। एब्सोल्युटली। आज का शो आपको कैसा लगा? सारे सेगमेंट्स आपने देखे, हमारे व्हाट्सएप नंबर पे हमें जरूर बताइएगा। खुश रहे, मिलेंगे फिर, खुदा हाफिज़। खुदा हाफिज़।